हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यारी आज फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम वागनर, पता ही है तो मेरा वागनर है, तो आज हम ये वागनर मेरा BXI मॉडल है, उस मॉडल के म्यूजिक सिस्टम के बारे में कुछ पता करेंगे। अभी देखिए, ये म्यूजिक सिस्टम जस्ट की ऑन हुआ है और म्यूजिक सिस्टम अभी भी मैं ऑन नहीं किया हूँ। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि वो टाइम डिस्प्ले आ रहा है, 7:02 हुआ है। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको कैसे, टाइम को कैसे एडजस्ट करते हैं, टाइम को कैसे सेट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसमें जो डिस्प्ले बटन है, इसमें टाइम को एडजस्ट करने के लिए आपको ये डिस्प्ले बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, दबा के रखना पड़ेगा। फिर अगर आप यहाँ देखिए एच लिखा हुआ है, एच इसका मतलब इसका अगर एक बार ऊपर करेंगे तो ये आवर चेंज होगा, मतलब देखिए 8 हो गया, ओके। फिर इधर मिनट लिखा हुआ है, इसको लॉन्ग प्रेस करते रहना और मिनट को चेंज करना, मिनट को नीचे करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, देखिए 8, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, इसको जितने बार दबाएंगे तो उतना होते रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए फिर से हम 7:00 अभी टाइम हो रहा है, 7:05 हो रहा है, 2 मिनट हुआ था, 3-4 मिनट कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले को दबा के रखना है, एच को दबा दबा के उसको बढ़ाना है, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। फिर डिस्प्ले को दबा के मिनट को बढ़ाना पड़ेगा, दबाते रहने से वो ऑटोमेटिक खुद ही खुद बढ़ जाएगा। तो देखिए 40, 42, 45, 50, 1, 2, 3, 4 कर देते हैं, ओके। ये हो गया आपका टाइम का एडजस्ट, ठीक है। फिर देखिए अभी म्यूजिक सिस्टम को ऑन करते हैं, उसको प्रेस करने से, ऊपर से प्रेस करने से ऑन होता है, ठीक है। ऊपर से एक बार प्रेस कर दिया तो वेलकम आ गया, मतलब ये ऑन हो रहा है। सीडी नो डिस्क, मतलब ये अभी सीडी का मोड में है। मोड किसे चेंज करते हैं, यहाँ देखिए नीचे एक मोड का बटन दिया हुआ है, इसको 3 मोड है इसमें, FM मोड मतलब रेडियो मोड, और सीडी मोड, USB मोड, ऑक्स मोड, 4 मोड है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है, सीडी मोड 1, USB मोड 2, ऑक्स मोड 3, और एक FM का है। इधर मोड में 3 ही है, FM 1 है, ओके। FM को दबाने से देखिए FM 1 100.10 आ रहा है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं ट्यूनिंग में, आप इसको प्रेस करने से बढ़ जाएगा, देखिए 15 हो गया, 10 हो गया, दबा के रखने से ऑटोमेटिक सर्च करेगा। ऊपर में भी देखिए यहाँ पर स्कान लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पर RPT मतलब रिपीट लिखा हुआ है, RDM मतलब रैंडम लिखा हुआ है, TXT टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट है, फोल्डर माइनस फोल्डर प्लस, ओके। आपको तो पता ही होगा इसके बारे में, अगर म्यूजिक सुनते हैं तो स्कान का मतलब रिपीट, रैंडम, टेक्स्ट, फोल्डर माइनस फोल्डर प्लस के बारे में पता ही होगा, ओके। और ये जो है लॉन्ग प्रेस करने से ऊपर से ये ऑन और ऑफ होता है, अभी प्रेस करने से ये ऑफ हो जाएगा, ओके, ऑफ हो गया। ऑफ होने से उसका सिर्फ टाइम डिस्प्ले आता है, ठीक है। फिर से ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया, अभी मेरा FM मोड में है। ये जो बटन है इसको अगर आप राइट साइड की तरफ मोड़ेंगे तो ये वॉल्यूम का काम करेगा, लेफ्ट साइड के करेंगे तो वॉल्यूम माइनस, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए वॉल्यूम प्लस आ रहा है, ठीक है, इधर करने से वॉल्यूम माइनस आ रहा है, ठीक है। इसको करने से म्यूजिक आता है, म्यूजिक अगर FM में है आप सीधा म्यूजिक माना चाहते हैं तो इसको दबा दीजिए, म्यूजिक आ जाएगा, फ्लैट म्यूजिक को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब म्यूजिक का सेटिंग है ये, ओके। बास का कितना है, ट्रेबल कितना है, बैलेंस कितना है, फॉर कितना है, आप सब कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। वो जो आता है अगर आप देख लीजिए, इसको ये बास है, बास को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब 0 हुआ है अभी, उसको आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ओके। फिर देखते हैं, अभी आपको और कुछ चीज दिखाता हूँ। ये हो गया आपका FM ऑन, फिर मोड में जाएंगे, CD में, USB में नो है, मतलब ये देखिए इसको ही से कवर होता है, ऊपर में USB, नीचे में ऑक्स है उसका, पास में दिखाता हूँ उसको, ये USB है, ये ऑक्स है, इसको ठीक से खोलते हैं, ये खुल गया। फिर मैं आप यहाँ एक पेन ड्राइव डालूंगा, ओके, पेन ड्राइव डाल दिया, USB रीडिंग दिखा रहा है, ओके, अभी वो रीड कर रहा है, ठीक है, ओके। आपके हिसाब से आपको जो म्यूजिक अच्छा लगता होगा आप वही बजाएंगे,
ये मेरा हिसाब से मैंने म्यूजिक डाउनलोड किया है स्लो म्यूजिक, तो आपको शायद ये पसंद नहीं आ रहा होगा, तो ठीक है आपके हिसाब से म्यूजिक बजाना। ओके फिर मैं मोड चेंज कर, ऑक्स मोड, ऑक्स का इधर ये है, ऑक्स के लिए मेरे पास केबल है, ये ऑक्स का केबल होता है आपको तो पता ही होगा, ऑक्स का केबल, ये दोनों तरफ से इधर आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, इधर आपका मोबाइल हो या आईपॉड हो या आईफोन हो कुछ भी आप इधर बजा सकते हैं। ओके ये ऑक्स मोड में आ गया। फिर ये सीडी मोड, ये देखिए ऊपर में ये सीडी का जगह दिया हुआ है, इधर देखिए ये मतलब ये ओपन क्लोज करने के लिए है सीडी का। ओके और एक चीज बताऊं फ्रेंड्स, इसमें म्यूजिक सिस्टम में क्या है कि ये वागनर का म्यूजिक सिस्टम एकदम अच्छा म्यूजिक सिस्टम दिया है, जो जो VXI मॉडल में म्यूजिक सिस्टम है ये इनबिल्ड म्यूजिक सिस्टम है, और ये म्यूजिक सिस्टम मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। इसमें कुछ क्या है कि आपका साउंड तो अच्छा देता ही रहता है, इसका बॉक्स आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए जो डोर है डोर का नीचे में वो दिया है, चारों डोर में ऐसे म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। और क्या बताऊं फ्रेंड्स, और तो सारी चीज मैंने बता दिया। इधर एक बटन है उसका मेनू का, ये मेनू में आप जो मेनू होता है मतलब सारे ऑप्शन इसमें रहता है, और इसमें आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से म्यूजिक, जिसको रॉक म्यूजिक पसंद है वो थोड़ा अपना हिसाब से बास पास वगैरह वगैरह को बढ़ा सकते हैं, जिसको स्लो म्यूजिक चाहिए वो अपने हिसाब से उसको कमा सकते हैं, इस हिसाब से ये एडजस्ट करने के लिए अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया, पूछा कि एक्चुअली वैगनर म्यूजिक सिस्टम क्या क्या है, कैसे है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। नहीं अच्छा फिनिश है, ये देखिए ये कितना लुक्स भी दे रहा है अंदर गाड़ी के अंदर में, और इसके और एक ऑप्शनल भी आता है, मतलब ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है इसका ऊपर में कवर भी आता है, मतलब वो वुडन टाइप का आता है जो कि और अच्छा लुक्स आपको देता है। मैं चेंज नहीं किया हूँ, ये ओरिजिनल जो गाड़ी के साथ दिया गया था वही है, तो वही चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो म्यूजिक सिस्टम इस हैचबैक सेक्शन में अगर आप देखेंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप वागनर खरीदने के लिए सोच रहे हैं, अगर वागनर खरीदेंगे तो आप हैचबैक सेक्शन में हैं, इस सेक्शन में इस सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में वागनर का ये म्यूजिक सिस्टम मेरा हिसाब से गुड है, री गुड तो नहीं बता सकता मैं, गुड तो जरूर है, अच्छा जरूर है। तो ये रहा मेरा म्यूजिक सिस्टम के बारे में आज का रिव्यू, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा या लगेगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से कि आपको अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले गाड़ी के बारे में। अगर आपको भी कुछ भी जानकारी चाहिए कोई भी गाड़ी के हिसाब से आप मेरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ट्राई करूंगा 120% ट्राई करूंगा दोस्तों आपको मतलब वो गाड़ी के बारे में बताने के लिए, वो वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कोई नया गाड़ी के बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि उनसे हमको थोड़ा एनर्जी मिलता है कि ठीक है ज्यादा लोग देख रहे हैं ऐसे बोल के, और आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा नया वीडियो में क्या कि क्या क्या हो रहा है, क्या पता मतलब क्या नया गाड़ी में क्या नया फीचर आ रहा है, तो ये सब के बारे में। ओके फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।